हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ब्रेन गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे उर्दू लिखी जाए कंप्यूटर में और किसी भी जगह। किसी भी जगह का क्या मतलब है दोस्तों? मतलब यह है कि किसी भी फोल्डर का नाम अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर किसी भी एक्सेल की फाइल का नाम लिखना चाहते हैं, या फिर आप फेसबुक पर कोई पोस्ट करना चाहते हैं, या आप व्हाट्सएप पर कुछ उर्दू में लिखना चाहते हैं, या आप गूगल पर सर्च करना चाहते हैं उर्दू में, तो आप बहुत आसानी से उर्दू लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यही सब कुछ आज हम सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे टॉपिक की जो आज की तरतीब है वो इस तरीके से है कि सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, फिर उर्दू को लिखना कैसे है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये टिप्स बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। ये जो टिप्स हैं, खासतौर पे ये लास्ट वाली जो टिप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उर्दू लिखेंगे तो आपको उर्दू इस तरह से लिखी हुई मिलेगी, एक खूबसूरत उर्दू जो है इस फॉन्ट में। अगर आप चाहते हैं जमील नूरी नस्तालीक फॉन्ट में लिखना चाहते हैं तो वो कैसे आएगी, और कुछ शॉर्टकट्स के प्रॉब्लम वगैरह हैं, ये टिप्स आखिर के अंदर लाजमी देखिएगा आप। तो दोस्तों, हम चलते हैं गूगल में और गूगल में लिखेंगे हम पाक उर्दू इंस्टॉलर। ये लिखकर हम जैसे ही सर्च करेंगे तो ये जो पहला लिंक हमारे पास आ जाएगा जिसमें ये डाउनलोड का लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है तो हम पहुंच जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहां से आप डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर जो है इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो आएगी और ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अगर नहीं आए तो आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा जी। दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर आपका आ चुका है, यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करना बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद क्या करना है उस तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास सॉफ्टवेयर आ गया, हमें कैसे पता चलेगा कि उर्दू जो है वो हमारे पास इनेबल हो चुकी है? उसका तरीका ये है कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कीबोर्ड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ अंदर ये उर्दू का कीबोर्ड है और ये इंग्लिश का कीबोर्ड है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे उर्दू पर तो आपका जो कीबोर्ड है वो उर्दू में लिखना शुरू कर देगा। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका कीबोर्ड इंग्लिश में लिखना शुरू कर देगा। देखें, यहाँ पर मैं इंग्लिश में कुछ लिख रहा हूँ, अब मैं उर्दू में लिखना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है अल्टरनेट शिफ्ट। कीबोर्ड से जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो आप उर्दू लिखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अब बारी है टिप्स की। पहली टिप्स हमारी टिप ये है कि शॉर्टकट प्रॉब्लम, इसको देखते हैं ये क्या है। तो दोस्तों, जब भी हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, जैसे मैं अब इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ और कीबोर्ड हमारा है उर्दू में, वैसे अभी लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है जो अभी आपने इंस्टॉल किया इसमें काफ़ी हद तक ये मसला हल हो चुका है। शुरू में ये तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं वो बंद थी, मसलन मैं कंट्रोल एस प्रेस करता था, सेव करता था तो फाइल सेव नहीं होती थी। इसी तरीके से और भी जितने भी विंडोज़ के जो शॉर्टकट्स हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप यूज़ करें, कोई भी सॉफ्टवेयर हो वहाँ पर अगर आप शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, आपके पास उर्दू का अगर कीबोर्ड होगा तो वो शॉर्टकट्स काम नहीं करती थी। अभी ये मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कीबोर्ड शॉर्टकट्स काम करना अचानक बंद कर दें तो आप ये नहीं समझिएगा कि मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया है या कोई अजीब सा मसला आ गया मेरे कीबोर्ड में, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस उर्दू में नहीं रहेंगे, जब भी आपने उर्दू लिख ली आप वापस इंग्लिश में आ जाएंगे तो तब तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं वो काम करेंगी। तो एक टिप तो ये थी। तो दूसरी टिप की तरफ आते हैं। दूसरी टिप ये है कि फॉन्ट कैसे चेंज करें। अब ये जो फॉन्ट है ये नॉर्मल फॉन्ट लिखा हुआ है और ये जो फॉन्ट है ये जमील नूरी नस्तालीक फॉन्ट है, ये आपके कंप्यूटर में आ चुका है तो आपको ज़ाहिर है फॉन्ट ऊपर से चेंज करना पड़ेगा। तो ये कैसे होता है, तो ये देखिए, ये मैंने नॉर्मल लिखा है, ये नॉर्मल लिखा है, इस तरीके से उर्दू की आएगी। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉन्ट जो है चेंज हो जाए तो उसका तरीका क्या है कि आप इसको सारे को सिलेक्ट कर लें और सारे को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से फॉन्ट में आना है और यहाँ पर आप नीचे आते जाएंगे, जमील नूरी नस्तालीक के ऊपर आएंगे। अगर आप कीबोर्ड से जे प्रेस करेंगे तो जे प्रेस नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया था ना, शॉर्टकट काम नहीं करेंगी। अभी आपका उर्दू का कीबोर्ड है इसलिए आप जे प्रेस करेंगे वो काम नहीं करेगा। अगर आपका कीबोर्ड इंग्लिश में है तो फिर आप जे प्रेस करके डायरेक्ट जमील वाले फॉन्ट्स पे चले जाएंगे। तो बहरहाल हम नीचे जाते हैं, तो इसकी एक पहचान ये है, जमील नूरी नस्तालीक फॉन्ट ये आ गया, इसकी पहचान ये है कि इस तरफ ये कुछ लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या लिखा हुआ है और इसका क्या मकसद है, कुछ अबजद होज के नाम से ऐसा कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। तो जैसे ये आ जाए तो समझ लें यही जमील नूरी नस्तालीक फॉन्ट है। तो इस पर आप जैसे क्लिक कर लेंगे तो आपका जो फॉन्ट है वो खूबसूरत हो जाएगा, और जब आप कुछ लिखना शुरू करें तो तब भी लिखने से पहले ही ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो भी ऑटोमेटिकली
आगे आप खूबसूरत लिखते जाएंगे। तो ये थी हमारी टिप नंबर दो। तो टिप नंबर थ्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उर्दू एंड टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में। तो इसको देखते हैं कि ये क्या है। दोस्तों फ़र्ज़ करें कि यहाँ हम कुछ लिख रहे हैं, फ़र्ज़ करें हम लिखना चाह रहे हैं सवाल नंबर एक, और आगे ये हमने सवाल लिख दिया, फिर हम लिखना चाह रहे हैं सवाल नंबर दो, और ये हमने कुछ लिख दिया। तो ये दोनों सवाल जो हैं आप लेफ़्ट साइड पर देख रहे हैं, सिर्फ राइट साइड पर अगर आपने एडजस्ट कर लिया इनको तो इतना करने से काम नहीं बनेगा दोस्तों। अब यहाँ पर लिखा है, अब ये प्रॉपर साइड पे आना शुरू हो गया। आपने यहाँ से राइट साइड पे सवाल नंबर चार मसलन हम लिख रहे हैं, तो आपको लगता है कि सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। देखिएगा कि अगर मैं लिखता हूँ कि मेरा नाम, कि इंग्लिश में जाते हैं अल्टरनेट और शिफ्ट दबा के ज़हीर है, तो आप देख रहे हैं कि ये, और यहाँ से वापस उर्दू में आते हैं अल्टरनेट शिफ्ट दबा के है लिखता हूँ, तो ये कितना अजीब तरीके से लिख रहा है। यानी कि हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इससे कि वो यूँ लिखेगा। तो ये सही क्यों नहीं लिख रहा है, उसकी रीज़न ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर पॉइंटर अपना लेफ्ट साइड पर ला के हमने इसको सिलेक्ट किया, और राइट साइड पर ये एक्सेल में और हर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये सहूलत मिलेगी। ये सहूलत ये है कि आप राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन करेंगे, सिर्फ राइट जस्टिफाई करने से काम नहीं चलेगा, आपको राइट साइड से लिखना भी है यहाँ पर। अच्छा, ये करके आप इसको राइट, यानी ये दोनों ऑप्शन आपके ऑन होने चाहिए, आपकी जो अलाइनमेंट है वो भी राइट होनी चाहिए और डायरेक्शन भी राइट होनी चाहिए। अब अगर आप लिखते हैं तो देखें कि बिल्कुल ठीक लिख रहा है। अगर मैं दोबारा लिखता हूँ, मैं दोबारा से लिखता हूँ मेरा नाम, और इंग्लिश में आके ज़हीर है, तो देखें बिल्कुल ठीक लिख रहा है ये। तो ये एक फ़ायदा हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि ये डायरेक्शन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, वापस वही पुरानी वाली कर देता हूँ, और ये राइट साइड पे रखता हूँ। एक और फ़ायदा इसका ये होता है कि यहाँ फ़र्ज़ करो हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हमने लिखे, इन्हें बुलेट्स देना चाह रहे हैं, इन तीनों को यहाँ से नंबरिंग देना चाह रहे हैं, तो आप देखें नंबर कहाँ पे लिखे जा रहे हैं। हालांकि राइट साइड पे हमने सेलेक्ट किया हुआ है, अलाइनमेंट हमारी जो है वो राइट साइड की है। और दूसरी अगर बुलेट्स देते हैं तो ये बुलेट्स जो हैं आप देखें, बुलेट्स या नंबरिंग कुछ भी कर लें, लेफ़्ट साइड पर ही आते हैं। तो क्या ये अच्छे लग रहे हैं, क्या ये मुनासिब है? बिल्कुल नहीं है। अगर आप इसको मुनासिब करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आपकी ये जो राइट टू लेफ़्ट डायरेक्शन है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। साथ में आपको राइट अलाइन करना होगा। ये दोनों चीज़ें आपकी साथ में ऑन होंगी तो आपके बुलेट्स भी लगेंगे और नंबरिंग भी अच्छी होगी। तो ये थी हमारी तीसरी टिप। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।